आप लोगों को कार्टून कैट के ऊपर एक वीडियो चाहिए थी ना, ये लो आ गई वीडियो। सबसे पहले तो अपने फोन की ब्राइटनेस को बढ़ा दो क्योंकि ये बिल्ली काली है। इज अ ब्लडी रेसिस्ट। मतलब ऐसी बता रहा हूं। माय नेम इज रूपक एंड आई एम नॉट अ रेसिस्ट। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। सायरन हेड की तरह कार्टून कैट को भी ट्रेवर हेंडरसन ने ही बनाया है। जिन्हें नहीं पता कि ट्रेवर हेंडरसन कौन है, अरे मैं है ना, मैं बताएगा। सॉरी, ट्रेवर हेंडरसन एक कैनेडियन इलस्ट्रेटर, आर्टिस्ट और राइटर है, और वो अपने ये डरावने काम के लिए काफी फेमस भी है। आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर चले जाइए और इनके बनाए फोटोज को देखिए। ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप मुझे आके कहोगे ये गान फट गया। अगस्त 2018, ये वो दिन था जब कार्टून कैट की पहली फोटो इंटरनेट पे आई थी। फिर धीरे धीरे कार्टून कैट की और फोटोज आती गई जो एक से बढ़कर एक डरावनी थी। कार्टून कैट की शक्ति क्या है? पहली बात तो ये कार्टून है और आपको तो पता ही है कि कार्टून्स में तो कुछ भी हो सकता है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। कार्टून कैट एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर है, यानी ये अपना रूप बदल सकता है। ट्रेवर ने ये कहा था कि कार्टून कैट कोई भी जानवर का रूप ले सकता है। ओ, तभी तो ये यहाँ कुत्ते जैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा तो ये बात है। ट्रेवर हेंडरसन कार्टून कैट को मेलिएबल बताते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि कार्टून कैट अपने बॉडी के आकार को अपने मुताबिक स्ट्रेच कर सकता है। मतलब अगर उसको अपना हाथ लंबा करना है तो वो लंबा कर सकता है, अगर उसको अपना हाथ छोटा करना है तो वो छोटा कर सकता है। ये फोटो देख आप समझ ही गए होंगे। ट्रेवर ने ये भी कहा है कि कार्टून कैट इतना ज्यादा गुस्सैल और डरावना है कि बाकी के मॉन्स्टर्स भी उससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि अगर कार्टून कैट के साथ उंगली करोगे तो मतलब कार्टून कैट इतना ज्यादा पावरफुल है कि ट्रेवर के बाकी के मॉन्स्टर्स की भी उससे फटती है। फटनी चाहिए। वैसे क्या कार्टून कैट लोगों को मारता है? इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि अभी तक ट्रेवर ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात।